السلام عليكم، أنا عبد المجيد. جيت إلى الهند لأداء عملية لابنتي الطفلة شيم. كان في المستشفى مارينجو إيشيا، وعملت إجراءات وفحوصات لابنتي، وكانت تعاني من الفك السفلي. وبعد إجراء الفحوصات تطرقنا أنه يحتاج لها إلى عملية، وتقابلت إلى الدكتور كابشوار، وتم إجراء العملية في اليوم الثاني أو الثالث. وكانت الحمد لله بعد العملية كانت تحسن موجود، وكانت الحمد لله العملية ناجحة 90 أو 95%. وكان إجراء الفحوصات والمعاملة الطبية وكذلك من قبل الكادر الطبي كان ما شاء الله، يعني تعاملهم جميل جداً، وفي الطب كذلك متقدم، والشكر موصول لهم جميعا. وأنصح لهذا المستشفى يعني على خدماته وعلاجه، والشكر موصول لهم جزيل الشكر. الحمد لله من بعد العملية البنت فيها تحسن كثير، وأنصح بهذا المستشفى. شكرا لهم جميعا، بارك الله فيكم. Hello everyone, I am Dr. Kavishwar, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी मरेंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे 1 से 16 महीने के बच्चे की। यह बच्चा जो है यह हमें ओमान से रेफ़र होके आया था। इस बच्चे में एक बहुत ही कंजनाइटल, बहुत ही रेयर डिफॉर्मिटी थी। ये वो डिफॉर्मिटी है जिसमें कि आपका जो जिसे हम कहते हैं टी एम जॉइंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। टी एम जॉइंट का फॉर्मेशन ना होने के कारण आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो जब बच्चा जब भी पैदा हुआ उसके बाद से उसकी मुंह की जो ओपनिंग थी वो 1 से 2 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं थी। यह बच्चा पिछले 16 महीने से केवल मिल्क पे ही जिंदा रहा। उसकी मदर उसको मिल्क ही ड्रॉपर से पिलाती रही, और इस तरह वह अपने को जैसे तैसे वो बच्चे को बड़ा करते रहे। 16 महीने बाद यह बच्चा हमारे पास रेफर होता है फॉर सर्जरी ऑफ द टी एम जॉइंट। जब हमने ये बच्चे को देखा तो इस बच्चे में सबसे पहले पाया कि बच्चे का कुल वजन जो है 16 महीने की उम्र में 7.5 किलो है। यह बच्चा बहुत कुपोषित था और वेट वाइज भी काफ़ी डाउन था। हम लोगों के सामने डॉक्टर कावेश्वर 1.5 साल का बच्चा लाए जिसका मुंह नहीं खुलता था। उसके कारण बच्चा खाना पीना खा नहीं पाता था, नरिशमेंट उसका अच्छा नहीं था। उसके कारण एनेस्थीसिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें ट्यूब डाल के पेशेंट की सांस को कंट्रोल करना होता है बेहोश करने के बाद, और ट्यूब बिना मुंह खुले डालना बहुत मुश्किल था। तो उसके लिए हॉस्पिटल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके हमने 2.8 mm का फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप अरेंज कराया। बच्चा थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो 1.5 साल का 7.5 किलो का बच्चा एंड ऑपरेशन इसका काफ़ी बड़ा होने वाला था। लेकिन एंड ऑफ द सर्जरी में डॉक्टर कावेश्वर ने ऑपरेशन करके उसका मुँह इतना खोल दिया था ताकि हम जब ट्यूब निकालें तो हमें ये डर ना रहे कि अगर वापस हमें डालनी पड़े तो हम नहीं डाल पाएंगे। उसके लिए हमने वापस लेरिंगोस्कोपी करके ट्यूब निकालने से पहले देखा कि हम वापस डाल पाएंगे कि नहीं, लेकिन मुँह सफिशिएंट खुल जा रहा था तो हमने ट्यूब निकाल दी। जब ये इसको लिया तो जब हमने सबसे पहले इसकी जब सर्जरी की तो हमने सबसे पहले इसका राइट साइड पे टी एम जॉइंट को खोला। टी एम जॉइंट को खोल के हमने ये पाया कि वह टी एम जॉइंट स्कल के जो बेस है उससे टोटली चिपका हुआ है। हमने वह जॉइंट को रिलीज़ किया। रिलीज़ करने के बाद उसके जो माउथ की ओपनिंग जो कि 2 मिलीमीटर थी उससे इंक्रीज होकर अराउंड 7 से 8 मिलीमीटर हो गई, लेकिन अभी भी वह जॉइंट पूरी तरह से ओपन माउथ नहीं कर पा रहे थे बच्चे का। तो इसलिए फिर हमने उसका लेफ़्ट साइड भी जॉइंट खोला। लेफ़्ट साइड का जॉइंट भी जो खोला और उसमें पाया कि लेफ़्ट साइड का जॉइंट भी जो है वो स्कल के बेस से चिपका हुआ है। फिर जब हमने उसका लेफ़्ट साइड का जॉइंट भी खोला तो उसके बाद वह मुँह जो नॉर्मल माउथ ओपनिंग 40 मिलीमीटर 30 से 40 मिलीमीटर की होती है, तो बच्चे का जो माउथ ओपनिंग अराउंड 30 से 35 मिलीमीटर की आ गई। माउथ ओपन करने के बाद कि ये दोबारा जॉइंट ऊपर जाके स्कल बेस से ना चिपक जाए, हम लोगों ने इसके अंदर एक फ्लैप डाला जिसे हम फेशियल फ्लैप कहते हैं। ये फेशियल फ्लैप डालने के कारण यह दोबारा चिपकेगा नहीं। सर्जरी के बाद बच्चे का माउथ ओपनिंग पूरा नॉर्मल था तो हम लोग उसको सांस की ट्यूब भी निकाल पाए। ट्यूब निकालने के बाद नेक्स्ट डे से हमने डाइटिशियन के एडवाइस के ऊपर बेस्ड, क्योंकि इस बच्चे ने कभी भी जीवन में कभी भी ना चावल खाया, ना रोटी, ना कोई फल या फ्रूट, तो इसलिए सडनली अगर हम उसे कुछ ज़्यादा खाने को देते तो उसके लिए उसकी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो जो प्रोटोकॉल डाइटिशियंस ने सेट किया कि ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करना है उसके खाने को, वो फॉलो किया गया और आज वह बच्चा
करीब 16 से 17 दिन हो गए सर्जरी पे, आपको है धीरे धीरे करके चावल, दही, फ्रूट्स और अंडा वगैरह ले पा रहा है। ये इस टाइप के केसेस पूरे वर्ल्ड में 13 से 14 केसेस ही रिपोर्टेड है और यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिफॉर्मिटी होती है। और यह जो केस है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इस केस पे बच्चे के जॉइंट के पास जाना, क्योंकि उस जॉइंट के पास मेजर आर्टरीज, मेजर नर्व जो हार्ट से ब्रेन की तरफ जाती हैं और जो नर्व्स हैं जो ब्रेन से बाकी शरीर या फेस की तरफ आती हैं, उनमें इंजरी का चांसेस होता है। तो ये काफ़ी कठिन सर्जरी होती है। इस सर्जरी के पश्चात बच्चा बिल्कुल ठीक है और वह अब अपने घर वापस जा रहा है। धन्यवाद।